फ्रीस्टाइल 92 केजी रैंकिंग सीरीज 2023 का एक बेहतरीन मुकाबला आप लोगों के सामने, मंगोलिया वर्सेस इंडिया। ये धोबी मारने का प्रयास मंगोलिया के पहलवान के द्वारा, लेकिन भारतीय पहलवान डेंजर में नहीं गए और किसी भी पहलवान का कोई भी पॉइंट नहीं। पहलवान लगातार अपना ग्रिप लेने की कोशिश करते हुए, खींच मारने की कोशिश करते हुए, भारतीय पहलवान पटेल को पैसिविटी दी गई। पहलवान लगातार एक दूसरे को धकेलते हुए, भारतीय30 सेकेंड का टाइम दिया गया भारतीय पहलवान को, यानी कि पैसिविटी दी गई। और इस 30 सेकेंड में अगर ये पॉइंट ले लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज एक पॉइंट इनके खिलाफ चला जाएगा। और ये एक पॉइंट हासिल किया भारतीय पहलवान ने। कुश्ती के फर्स्ट आपके लगभग 25 सेकेंड शेष। और ये लेग अटैक करने का प्रयास था मंगोलिया के पहलवान के द्वारा। कुश्ती का फर्स्ट हाफ समाप्त। कुश्ती में एक पॉइंट का गैप, कोई बहुत बड़ा अंतराल नहीं होता, तो भारतीय पहलवान को जीत हासिल करने के लिए लगातार अटैक करने के प्रयास करने होंगे। कुश्ती सेकंड हाफ में पहलवान एक दूसरे को धकेलते हुए और ये अटैक करने का प्रयास मंगोलिया के पहलवान के द्वारा। लेकिन भारतीय पहलवान ने कोई पॉइंट नहीं दिया।
मंगोलिया के पहलवान को। एक्टिविटी पीरियड दिया गया है भारतीय पहलवान को। एक्टिविटी पीरियड में कोई भी अंक प्राप्त नहीं किया भारतीय पहलवान ने, तो एक पॉइंट उनके खिलाफ जाता है और मंगोलिया के पहलवान को वो पॉइंट मिलता है। एक बार फिर अटैक करने का प्रयास। और ये पीछे जाकर दो पॉइंट हासिल किए मंगोलिया के पहलवान ने। और बाणंदाज का ग्रिप, और ये बाणंदाज मारने में सफल रहे मंगोलिया के पहलवान। एक बार फिर बाणंदाज लगाया मंगोलिया के पहलवान ने। सात एक का स्कोर। भारतीय पहलवान को ग्राउंड में काम करने की जरूरत, पहलवान को ग्राउंड रेसलिंग मजबूत करनी होगी। एक बार फिर पीछे जाके दो पॉइंट हासिल किए मंगोलिया के पहलवान ने। 9-1 का स्कोर और कुश्ती में मात्र 8 सेकंड शेष। और 9-1 के स्कोर से इस कुश्ती में जीत हासिल की मंगोलिया के पहलवान ने।